ये कहानी सारिका नाम की एक लड़की की है। सारिका के पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। वो बहुत गरीब थी, इसलिए मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगा करती थी। सारिका अनाथ थी, उसके परिवार में भी कोई नहीं था। मंदिर के बाहर से उसे जो पैसे मिलते थे, उन पैसों से वो कुछ खाना खरीदकर खा लेती थी। सारिका जब भी किसी परिवार को एक साथ देखती थी तो उसे बहुत दुख होता था और वो उदास हो जाती थी। दुनिया में सभी के पास कोई ना कोई है, मगर मेरी ही पास कोई नहीं है। पता नहीं भगवान को मुझसे क्या मंजूर है। एक दिन सारिका मंदिर के बाहर बैठकर सभी से भीख मांग रही थी, तभी राहुल नाम का लड़का मंदिर में दर्शन करने आता है। राहुल को देखकर सारिका उससे भी भीख मांगती है। सुनिए, कुछ खाना या पैसा देकर इस गरीब की मदद कर दीजिए, भगवान आपको खुश रखेगा। फिलहाल तो प्रसाद के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम ये प्रसाद खा लो। राहुल सारिका को प्रसाद दे देता है और उससे पूछता है, तुम कहाँ रहती हो और तुम्हारे परिवार वाले कहाँ हैं? तुम इस तरह भीख क्यों मांगती हो? दिखने में तो तुम बहुत सुंदर हो। जी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ, मेरे पास घर भी नहीं है। आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, मेरा घर यहीं पास में है। कल मैंने अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी है, क्या आप पार्टी में आएंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अगर खाना मिलने वाला है तो मैं पार्टी में जरूर आऊंगी। हाँ हाँ, खाना जरूर मिलेगा, आप बस मेरे घर आ जाइएगा। ऐसा कहकर राहुल वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फटे पुराने कपड़ों में सारिका राहुल के घर जाती है। राहुल का घर बहुत ही आलीशान दिख रहा था। सारिका डरती हुई राहुल के घर के अंदर जाने लगती है, तभी कुछ बॉडीगार्ड उसको बाहर ही रोकने लगते हैं। तभी राहुल सारिका को देख लेता है और कहता है, अरे इस लड़की को अंदर आने दो, मैं इसको जानता हूँ। सारिका घर के अंदर आती है। राहुल का इतना बड़ा घर देखकर सारिका बहुत चकित रह जाती है। उसने इतना बड़ा घर आज से पहले कभी नहीं देखा था। मैंने इतना बड़ा घर और इतनी कीमती चीजें कभी नहीं देखी थी, कितना खूबसूरत है ये सब। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ क्या खाओगी तुम? यहाँ पर बहुत कुछ खाने के लिए है, चलो मैं तुम्हें खाने के लिए ले चलता हूँ। राहुल की माँ राहुल को सारिका के साथ देख रही थी। उसे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। वो अपने मन में सोचती है, ये राहुल किस गरीब भिखारी के साथ घूम रहा है, अभी जाकर पूछती हूँ इससे। ऐसा सोचकर राहुल की माँ राहुल के पास जाती है और उससे कहती है, राहुल कौन है ये, तू किसे लेकर आ गया है मेरे घर में? माँ इसका नाम सारिका है, मैंने इसे आज की पार्टी में बुलाया है। मैं तुझे कितनी बार समझा चुकी हूँ, किसी को भी घर पर लेकर मत आया कर, देखो तो जरा इसे कितनी गरीब दिख रही है। नहीं माँ, ये बहुत अच्छी है, माना थोड़ी गरीब है लेकिन फिर क्या हो गया। शट अप राहुल, इसे अभी यहाँ से जाने के लिए कह दो, मैंने कहा इसे अभी यहाँ से जाने के लिए कह दो। राहुल की माँ गुस्से में सारिका को घर से बाहर निकलवा देती है। सारिका उदास होकर वापस मंदिर के पास आकर बैठ जाती है। अगले दिन राहुल फिर से मंदिर के पास आता है। उसकी एक बार फिर से सारिका से मुलाकात होती है। सारिका उसी मंदिर के बाहर बैठी हुई थी। राहुल सारिका के पास जाकर कहता है, सारिका मुझे माफ कर दो, कल माँ की वजह से मैं तुम्हें रोक नहीं पाया। राहुल इतना कहता ही है कि तभी सारिका वहाँ से उठकर दूसरी जगह चली जाती है। राहुल वापस उसके पास जाता है, तब सारिका कहती है, कृपया करके आप यहाँ से चले जाइए राहुल, आपकी माँ बिल्कुल सही कह रही थी, मेरा और आपका कोई मुकाबला नहीं है, बल्कि मैं तो आपके साथ खड़े होने के लायक भी नहीं हूँ। आप प्लीज चले जाइए यहाँ से और मुझसे कभी बात मत कीजिएगा, और मैं भी आपको कभी तंग नहीं करूँगी। नहीं सारिका, ऐसी बात नहीं है, मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो मेरी माँ की सोच है, मेरी नहीं। मुझे तुम अच्छी लगती हो, मैं तुमसे बात करूँगा। इसी तरह एक बार फिर से राहुल और सारिका के बीच बात होने लगती है। कई महीने गुजर जाते हैं और फिर एक दिन राहुल सारिका से कहता है, सारिका तुम जानती हो मेरी माँ मेरे लिए लड़की ढूंढ रही है, वो चाहती है कि मैं शादी कर लूँ।
अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम्हारी शादी हो रही है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। नहीं सारिका, ये खुशी की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे अलावा किसी और लड़की से शादी नहीं करना चाहता हूँ। मेरी माँ जबरदस्ती किसी और लड़की से मेरी शादी करवा रही है। ये तुम क्या कह रही हो राहुल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरा और तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है, ये बात मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं। मुझे कुछ नहीं समझना सारिका, मुझे बस तुमसे शादी करनी है। तुम भी शादी के लिए मान जाओ ना। इस तरह राहुल सारिका से शादी कर लेता है और सारिका को लेकर अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचते ही जब राहुल की माँ उसको सारिका के साथ देखती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, निकल जाओ दोनों मेरे घर से, तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता नहीं है, आज से मेरा बेटा मेरे लिए मर चुका है। राहुल की माँ राहुल को घर से बाहर निकाल देती है। राहुल और सारिका घर से बाहर आ जाती हैं। राहुल, अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे हम दोनों? मैं कुछ करता हूँ सारिका, तुम चिंता मत करो। राहुल जंगल से लकड़ियाँ काटता है और उन लकड़ियों को जोड़ जोड़ कर एक झोपड़ी तैयार कर लेता है और फिर वो दोनों पति पत्नी उस झोपड़ी में रहने लगते हैं। राहुल कई जगह पर काम ढूंढने जाता है लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। वो सारिका को एक वक्त का भर पेट भोजन भी नहीं करवा पा रहा था, इस वजह से वो बहुत दुखी रहता था। जंगल से तोड़े हुए फल से दोनों पति पत्नी का पेट भर रहा था। एक दिन जंगल से फल तोड़कर लाते वक्त राहुल को एक बच्ची बीमार अवस्था में पड़ी हुई मिली। राहुल उसे उठाकर अपनी झोपड़ी के अंदर ले आता है। सारिका और राहुल दोनों मिलकर उस बच्ची की सेवा करते हैं। कुछ दिनों में वो बच्ची बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। एक दिन वो बच्ची राहुल और सारिका से कहती है, आप दोनों बहुत अच्छे हो, आप दोनों ने मेरी बहुत सहायता की है। आज अगर मैं ठीक हो पाई हूँ तो सिर्फ आप दोनों की वजह से। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तुम धन्यवाद क्यों कह रही हो, तुम इतनी प्यारी हो, भला तुम्हारी मदद कोई क्यों नहीं करेगा। एक इंसान ही तो दूसरे इंसान की मदद करता है ना। सारिका की ऐसी बात सुनकर वो बच्ची बहुत खुश होती है और एक परी का रूप धारण कर लेती है। बच्ची को इस तरह परी बनते हुए देखकर दोनों पति पत्नी हैरान हो जाते हैं। तब परी कहती है, मुझे देखकर तुम दोनों हैरान मत हो, मैं सिर्फ तुम दोनों की परीक्षा ले रही थी। तुम दोनों बहुत अच्छे हो, इसलिए आज मैं सारिका को एक जादुई झुमका देना चाहती हूँ, जिससे तुम दोनों का भला होगा। तुम दोनों इससे जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। जादुई झुमका परी सारिका को देकर वहाँ से चली जाती है। परी के जाने के बाद राहुल कहता है, देखा सारिका, अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ खुद ब खुद अच्छा हो जाता है, लेकिन फिलहाल बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाता तो मजा ही आ जाता। तभी जादुई झुमके में से एक रोशनी निकलती है और वहाँ पर बहुत स्वादिष्ट भोजन प्रकट हो जाता है। दोनों पति पत्नी मिलकर सबसे पहले भरपेट खाना खाते हैं। अब वो दोनों और जादुई झुमके से जो भी मांगते थे वो उन्हें मिल जाता था। इस तरह दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तभी एक दिन राहुल को पता चलता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। ये सुनकर राहुल और सारिका फौरन राहुल की माँ के पास जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कोई भी दवा उनको ठीक नहीं कर पा रही है। तभी सारिका जादुई झुमका निकालती है और कहती है, जादुई झुमके, मेरी सासू माँ को ठीक करने वाली दवाई दे दो। सारिका के ऐसा कहते ही वहाँ पर एक दवाई प्रकट हो जाती है। सारिका वो दवाई अपनी सास को पिला देती है। उसके ऐसा करते ही राहुल की माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो सारिका से और राहुल से माफ़ी मांगती है। राहुल और सारिका भी अपनी माँ को माफ कर देते हैं और उस दिन से सारिका राहुल के साथ उसके आलीशान घर में रहने लगती है। अब उनको जादुई झुमके की जरूरत नहीं थी, इसलिए वो दोनों परी को याद करते हैं और परी वहाँ प्रकट हो जाती है। परी जी, हमारे मुश्किल समय में इस जादुई झुमके ने हमारा बहुत साथ दिया है, लेकिन अब हमारे पास सब कुछ है, इसलिए आप ये झुमका रख लीजिए और इसे किसी दूसरे जरूरतमंद इंसान को दे दीजिए, ताकि हमारी तरह किसी और की जिंदगी भी आसान हो सके। सच में तुम दोनों पति पत्नी के विचार बहुत अलग और खूबसूरत है। ठीक है, मैं चलती हूँ। झुमका लेकर परी वहाँ से चली जाती है
और वो पूरा परिवार एक साथ मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगता है। कुशीपुर नाम के गांव में चार अनाथ बहनें अंजलि, शिवानी, पूर्वी और दिशा रहती थी। वो चारों बहनें बहुत खूबसूरत थी और साथ ही उनके बाल भी लंबे काले घने थे। अंजलि नौकरानी का काम करती थी और घर का गुजारा करती थी। हमेशा की तरह अंजलि काम पर जा रही थी। शिवानी, मैं काम पर जा रही हूँ, तुम घर का दरवाजा अंदर से लगा लो, कोई बाहर से आए तो बिना पूछे खोलना मत। दीदी, कभी कभी मुझे ये सोचकर बहुत बुरा लगता है कि हम तीनों आपकी कोई मदद नहीं कर पाते हैं। अभी तुम तीनों छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तब काम में मेरी मदद करना। लेकिन दीदी, आप अकेले ही घर का गुजारा करती हो, ये देखकर मैं बहुत दुखी होती हूँ। आप जहाँ काम करने जाती हो वो हमारे घर से बहुत दूर है और आप इतना लंबा सफर पैदल तय करती हो, आप हमारे लिए बहुत मेहनत करती हो। इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। लेकिन दीदी, आप हमारे गांव में ही आसपास काम देख लो, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है। हमारे गांव वाले हमारी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। गांव वाले काम के बदले मुझे बहुत कम पैसे देते थे, इसलिए मैंने दूसरे गांव में काम देख लिया। वहां मुझे थोड़े ज्यादा पैसे मिलते हैं। अब मैं चलती हूँ, अगर देर हो गया तो मालकिन बहुत गुस्सा करेगी। उसके बाद अंजलि काम पर चली जाती है। उस दिन अंजलि को काम पर आने से देर हो जाता है क्योंकि उसके मालकिन के घर में किसी का जन्मदिन था। अंजलि को रात को घर आते हुए देख उसके पड़ोस की आंटियां आपस में बात करने लगती है। अरे देखो देखो सावित्री, सुबह की गई हुई लड़की अंधेरी रात को वापस आ रही है। इसकी तो बाकी की तीन बहनें भी बहुत शरारती हैं। अरे बड़ी बहन बिगड़ैल है तो छोटी बहनें तो बिगड़ैल होगी ही। सही कह रही हो बहन, एक तो ये चारों बहनें अपने माँ बाप को निगल गईं और अब उनके जाने के बाद इनके चेहरे पर जरा सा भी दुख नजर नहीं आता। चारों की चारों तो इधर उधर आवारा गर्दी करती रहती है। चारों बहनें अपनी हरकतों की वजह से हमारे गांव का माहौल खराब कर देंगी। अंजलि उन दोनों की ये घटिया बातें सुन लेती है। वो उनके पास जाती है और कहती है, आंटी आप दोनों हम बहनों के बारे में कैसे भद्दी बातें कर रही हो। शुक्र मना कि अभी तक सिर्फ बात कर रहे हैं, अगर एक बार भी मुखिया जी को बोल दिया तो धक्के मारकर तुम चारों बहनों को गांव से बाहर निकाल देंगे। अरे सावित्री, धमकी क्या दे रही है, चल अभी हम सब गांव वाले मिलकर मुखिया जी के पास जाते हैं। और हाँ, तू भी अपनी बहनों को लेकर वहाँ आ जाना। गांव वाले उन दोनों के बहकावे में आकर मुखिया जी के पास जाती हैं। थोड़ी देर बाद अंजलि अपनी बहनों के साथ वहाँ जाती है। मुखिया जी, ये चारों बहनें बहुत बिगड़ैल हैं, इनकी वजह से हमारे गांव का माहौल खराब है। नहीं मुखिया जी, हम कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं, मैं तो सुबह काम करने जाती हूँ और अपने घर का गुजारा करती हूँ। सुबह काम करने जाती है और रात को आती है, तब तक इसके पीछे से इसकी बहनें आवारा गर्दी करती हैं। मेरी बहनें घर से बाहर नहीं निकलती है। कितनी झूठी मक्कार लड़की है। अरे क्या पता तू पड़ोस वाले गांव में नौकरानी का काम करने जाती है या कुछ और, कुछ बताती भी तो नहीं है किसी को। मुखिया जी, आपको तो पता ही है बिन माँ बाप के बच्चे कितने बिगड़ैल होते हैं। हम नहीं चाहते कि इन बहनों की वजह से हमारे बच्चे बिगड़े, इसलिए इन चारों को इस गांव से बाहर निकाल दो। गांव वालों की बातों में आकर मुखिया चारों बहनों को गांव से बाहर निकाल देता है। चलते चलते अंजलि की छोटी बहन उससे कहती है, दीदी हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसे वहाँ पर बोला जा रहा था। बिना किसी गलती के हमें हमारे ही घर से बाहर निकाल दिया गया है। घर की तो छोड़ो, हमें तो गांव से ही बाहर निकाल दिया है। पूर्वी, हमारे मम्मी पापा नहीं है ना, इसलिए हमारे साथ ये सब हो रहा है। उन लोगों ने बड़ी चालाकी से हमें गांव से बाहर निकाला है। तभी सामने बहनों को घना जंगल दिखाई देता है। अभी हम इस घने जंगल में छुप जाते हैं, कल सुबह हम दूसरे गांव चले जाएंगे। चारों बहनें जंगल चली जाती है। उसी जंगल के पेड़ पर एक डायन बैठी हुई थी। चारों बहनों को देखकर डायन बहुत खुश होती है। एक साथ चार चार शिकार, इन चारों को बलि देकर अपनी सालों की शक्ति को सिद्ध करूंगी। उसके बाद डायन चारों बहनों के सामने आ जाती है। उसे देखकर वो सभी बहुत डर जाती हैं। दीदी ये तो बहुत खतरनाक लग रही है, दीदी हमें बचाओ। अरे ओ चवन्नी, खड़ी रह, ज्यादा चैं चैं मत कर।
उसके बाद डायन दिशा की तरफ बढ़ने लगती है। डायन को दिशा की तरफ बढ़ता हुआ देख अंजलि बहुत सारे पत्थर उठाती है और डायन के ऊपर फेंक देती है। एक साथ बहुत सारे पत्थर से हमला होने की वजह से डायन को बहुत चोट आती है और वो घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। डायन को तड़पता हुआ देख अंजलि को उस पर दया आ जाती है। वो जंगल से जड़ी बूटी तोड़कर डायन की चोट पर लगा देती है। तभी डायन खड़ी होती है और एक परी का रूप ले लेती है। दरअसल वो डायन थी ही नहीं, वो तो एक परी थी जो चारों बहनों की परीक्षा ले रही थी। आप तो परी हो लेकिन डायन? मैं डायन नहीं हूँ। जंगल में कोई भी आधी रात को आता है तो मैं उसकी परीक्षा इसी तरह लेती हूँ। मैंने अक्सर देखा है कि लोग अपने सगे संबंधी को छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन तुमने अपनी बहन को बचाने के लिए खतरनाक डायन पर हमला कर दिया। तुम चारों बहनों की एकता और प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम चारों बहनें इस घने जंगल में क्यों आई? परी, हम चारों बहनों के चरित्र पर सवाल उठाकर हमें गांव से बाहर निकाल दिया गया है। हमारे माता पिता नहीं है इसलिए गांव में हमेशा हमारे साथ यही होता है। पहले तो गांव में मुझे किसी ने काम नहीं दिया और जो दे भी रहे थे वो बहुत कम पैसों में दे रहे थे। जब मैंने दूसरे गांव में काम ढूंढ लिया तो मेरे आसपास की आंटियां हमसे जलने लग गई। हम कल सुबह होते ही दूसरे गांव चले जाएंगे, लेकिन रात भर हम इस जंगल में रुकने आए थे। तुम बहनों के साथ बहुत बुरा हुआ। मैं तुम चारों बहनों के साधारण बालों को गोल्डन बालों में बदलने की शक्ति प्रदान करती हूँ। जैसे ही तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो तुम अपने बालों को कहना कि मेरी साधारण बाल बन जाओ गोल्डन के बाल। गोल्डन बाल बनने के बाद तुम चारों बहनें जो चाहो अपनी इच्छा पूरी करवा सकती हो, लेकिन एक बार में एक ही इच्छा पूरी हो सकती है। परी, मुझे अच्छे से समझ नहीं आ रहा। मतलब कि तुम चारों बहनों के बालों में गोल्डन होने की शक्ति होगी, लेकिन तुम चारों बहनें एक बार ही कोई अपनी एक एक इच्छा पूरी कर सकती हो। उसके बाद परी चारों बहनों के बालों पर अपनी जादुई छड़ी घुमा देती है। चारों बहनें अपने गांव में वापस चली जाती है और अंजलि बोलती है, मेरे साधारण बाल बन जाओ गोल्डन के बाल। उसके बाद अंजलि के साधारण बाल गोल्डन के बाल बन जाते हैं। गोल्डन के बाल, हम सबको रहने के लिए एक घर चाहिए। वहाँ पर एक बड़ा आलीशान घर बनकर तैयार हो जाता है। उसके बाद अंजलि के बाल साधारण बन जाते हैं। शिवानी कहती है, मेरे साधारण बाल बन जाओ गोल्डन के बाल और हमें घर चलाने के लिए चाहिए एक फल की दुकान। उनके घर के पास ही एक बड़ा सा फल की दुकान बनकर तैयार हो जाता है। उसके बाद शिवानी के बाल भी साधारण हो जाते हैं। फिर तीसरी बहन पूर्वी कहती है, मेरे साधारण बाल बन जाओ गोल्डन के बाल और हमें चाहिए बहुत सारा राशन। उनके घर में बहुत सारा राशन आ जाता है। इस तरह तीन इच्छा पूरी हो जाती है। अब आखिरी की एक इच्छा बची थी, वो थी दिशा की इच्छा। दिशा, तुम्हारी क्या इच्छा है? दीदी, हमारे पास घर हो गया, दुकान हो गई और राशन भी आ गया, इसलिए मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सी इच्छा मांगूं। अभी मैं कोई इच्छा नहीं मांगती हूं, अपनी इच्छा मैं जरूरत आने पर पूरी कर लूंगी। अंजलि को दिशा की ये बात सही लगती है। उसके बाद चारों बहनें उसी गांव में रहने लगती है और अपने फलों की दुकान में काम करके गुजारा भी करने लगती है। एक दिन सावित्री और रूपा चारों बहनों को देख लेती है। अरे सावित्री, इन चारों को तो धक्के मारकर निकलवा दिया गया था, लेकिन ये अभी तक यही है। चल, मुखिया जी को यहाँ पर लेकर आते हैं। उसके बाद मुखिया जी चारों बहनों को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। वो दोनों मुखिया जी को लेकर आती है। मुखिया जी चारों बहनों से कहते हैं, चारों को इस गाँव से जाने का आदेश दे दिया गया था, फिर अभी तक तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुखिया जी, हम इस गांव से नहीं गए क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं थी। अगर गलती होती तो चुपचाप चले जाते। ये गांव हमारा भी है, इस गांव में हमारे माता पिता की यादें हैं। नहीं, तुम्हारी जैसी लड़कियों को मैं अपने गांव में नहीं रखूंगा। लेकिन मुखिया जी, हमने कुछ किया ही नहीं है, ये दोनों झूठ बोल रही हैं। अगर तुम्हारे पास खुद को सही साबित करने का कोई सबूत हो तो दिखाओ, वरना मेरे गांव से बाहर निकलो। दिशा अंजलि के पास जाती है और उसके कान में कहती है, दीदी, ये बिल्कुल सही समय है मेरे गोल्डन बालों से अपनी इच्छा पूरी करवाने का। मतलब? आप बस देखती रहो। उसके बाद दिशा मुखिया जी से कहती है, मुखिया जी, मैं आपको सबूत देती हूँ, मेरे साधारण बाल बन जाओ गोल्डन के बाल
और अगर ये दोनों आंटी हमारे बारे में झूठ बोल रही हैं, तो इनका मुंह काला कर दे। तभी उन दोनों औरतों का मुंह काला हो जाता है और गोल्डन के बाल से आवाज आती है, मुखिया जी, ये दोनों औरत इन चारों बहनों को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी। ये चारों बहनें बहुत साधारण और नेक हैं। ये सब सुनकर मुखिया जी को बहुत गुस्सा आता है। तभी वो दोनों औरतें मुखिया जी से माफ़ी मांगने लगती है। मुखिया जी, हमें माफ़ कर दो, हम दोनों से बहुत बड़ी भूल हो गई है। चार लड़कियों के चरित्र पर सवाल उठाने से पहले तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे घर में भी बेटियां हैं। अगर उनके चरित्र पर कोई सवाल उठाए और झूठी बातें चलाएं, तो तुम्हें कैसा लगेगा? शायद तुम्हें कुछ ना लगे, क्योंकि तुम्हारी खुद की हरकतें भी यही हैं। अगर माफ़ी मांगनी है तो चारों बहनों से माफ़ी मांगो। अगर इन चारों ने माफ़ कर दिया तो मैं तुम दोनों को कोई सज़ा नहीं दूंगा। वो दोनों चारों बहनों से माफ़ी मांगती है। उनका दिल बहुत बड़ा था, इसलिए इतना सब कुछ होने के बाद भी चारों बहनें उन दोनों को माफ़ कर देती है। उसके बाद सब वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं। गोल्डन बाल की वजह से हमारे ऊपर लगा इतना बड़ा इल्जाम झूठ साबित हो गया। अब हम इस गांव में सर उठाकर रह सकते हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और चारों बहनें फिर से हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। गंजी राजकुमारी और बालों की बारिश। रानीगंज की राजकुमारी 25 वर्ष की हो गई थी, लेकिन अभी तक उसका विवाह नहीं हुआ था। राजा रानी को अपनी बेटी के विवाह की बहुत चिंता रहती थी। एक दिन राजा रानी से कहता है, पता नहीं हमारी बेटी की शादी कब होगी। अगर उस दिन तुमने गलत जड़ी बूटी नहीं खाई होती तो हमारी बेटी को बाल न आने की समस्या नहीं होती। मैं भी बस यही बात सोच कर दुखी होती रहती हूँ। काश उस दिन जड़ी बूटी खाने से पहले मैंने किसी से पूछ लिया होता, फिर आज ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। राजा रानी की ये बातें राजकुमारी सुन लेती है। वो अपने कमरे में जाकर सोचती है, मेरी वजह से माँ पिताजी बहुत चिंता में रहते हैं। अब मेरी शादी नहीं हो रही है तो इसमें परेशानी की क्या बात है। मेरी शादी होना इतना भी जरूरी नहीं है। मैं इस बारे में माँ पिताजी से बात करूँगी। अगले दिन राजकुमारी राजा रानी के पास जाती है। माँ पिताजी, मुझे शादी नहीं करनी है, आप मेरे लिए कोई राजकुमार मत ढूंढिए। क्यों बेटी, अचानक तुम्हें क्या हो गया? बस ऐसे ही, मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी। ये क्या कह रही हो तुम? राजघराने में राजकुमारियों की शादी नहीं होती है तो प्रजा में बहुत गलत संदेश जाता है। पता है लोग क्या सोचेंगे कि राजा अपनी बेटी का विवाह नहीं करा पाए। विवाह ना करने का ख्याल तुम अपने मन से निकाल दो। राजा रानी की डांट सुन राजकुमारी अपने कमरे में चली जाती है। मैं तो माँ पिताजी की परेशानी कम करने गई थी, उल्टा मुझे ही डांट पड़ गई। वहीं दूसरी तरफ राजा रानी अपनी बेटी के विवाह के लिए योजना बना रहे थे। मेरे पास एक अच्छी तरकीब है, क्यों ना हम लड़के वाले को देखने ही ना दे कि हमारी बेटी के सर पर एक भी बाल नहीं है। लेकिन कैसे, यहाँ आसपास हर राज्य में पता है कि हमारी बेटी के सर पर बाल नहीं है। आसपास के राज्य से किसी राजकुमार को देखना ही नहीं है। अब हम अपनी बेटी के लिए दूर के राज्य के राजकुमार का रिश्ता देखेंगे, भला उन्हें क्या पता होगा। जब वो लोग हमारी बेटी को देखने आएंगे तो हम अपनी बेटी को सर पर पल्ला लेकर आने को कहेंगे। हाँ सही कह रही हो, एक बार शादी हो जाए उसके बाद कोई रिश्ता नहीं तोड़ता है। कुछ दिनों बाद दूर किसी राज्य से एक राजा अपने बेटे के लिए राजकुमारी को देखने आता है। राजकुमारी जब उनके सामने आती है तो वो अपने सर पर पल्ला रख लेती है। ये देखकर राजकुमार के पिता कहते हैं, राजकुमारी ने अपने सिर पर पल्ला क्यों रख रखा है? दरअसल हमारे में रिवाज है कि कुंवारी लड़की को कोई देखने आता है तो वो अपने सर पर पल्ला रख लेती है। रानी की इस बात को राजकुमार के पिता सच मान लेते हैं। वो अपने राजकुमार के लिए राजकुमारी का रिश्ता पक्का कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद राजकुमारी और राजकुमार का विवाह हो जाता है। राजकुमारी राजकुमार के सामने भी सिर पर पल्ला रखती थी। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता है। तभी एक दिन राजकुमार कहते हैं, तुम हमेशा अपने सिर पर पल्ला क्यों रखती हो? हमारे राज्य के सभी लोग बहुत खुले विचार के हैं। अगर तुम सिर पर पल्ला नहीं भी रखोगी तो कोई इस बात पर तुम्हें नहीं टोकेगा। ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के लोग खुले विचार के हैं, लेकिन हमारे में शादी के कुछ सालों तक ऐसे ही सिर पर पल्ला रखते हैं।
राजकुमारी की ये बात राजकुमार को कुछ अजीब लगती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहते और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद राजकुमारी अपने मन में सोचती है, मुझे राजकुमार से झूठ बोलने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करूं, माँ ने मुझे ये सब करने के लिए अपनी कसम दी है। इसी तरह दिन बीत रहे थे। राजकुमारी नहाने जा रही थी, वो आसपास देखती है उसे कोई नजर नहीं आता और वो अपने सिर से पल्ला हटा लेती है। तभी अचानक वहाँ राजकुमारी की सास इंदुमती आ जाती है और वो राजकुमारी को देख लेती है। ये देखकर इंदुमती को उस पर बहुत गुस्सा आता है। यानी तुम इतने दिनों से हम सबसे झूठ बोल रही थी, यहाँ तक कि शादी से पहले तुम्हारे माता पिता ने भी झूठ बोला, तुम सबने हमारे साथ धोखा किया है। नहीं, ऐसा नहीं है, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। दरअसल मेरी कहीं शादी नहीं हो रही थी, इसलिए मेरे माता पिता को ऐसा करना पड़ा। तुमने अपने माता पिता को ऐसा करने से नहीं रोका, मुझे खूबसूरत बहू चाहिए थी, इतनी खूबसूरत कि आसपास के किसी राज्य में मेरी बहू की तरह खूबसूरत कोई ना हो। तुम चेहरे से तो खूबसूरत हो, लेकिन तुम गंजी हो। मुझे ऐसी गंजी राजकुमारी को अपने महल में अपनी बहू बनाकर नहीं रखना है। मैं अभी राजा को तुम्हारी सारी असलियत बताती हूँ और तुम्हें तुम्हारे महल वापस भिजवाती हूँ। वापस कभी यहाँ आने की सोचना भी मत। मेरे से रिश्ता नाता तोड़ने से पहले एक बार राजकुमार से बात कर लीजिए, वो मुझे कहीं नहीं जाने देंगे। ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, मेरा बेटा मेरी सारी बात मानता है। अगर मैं उसे तुम्हें छोड़ने के लिए कहूँगी तो वो छोड़ देगा, इसलिए अपने मन से वहम निकाल दो। मैं कुछ महीनों बाद ही अपनी राजकुमार की फिर से किसी खूबसूरत राजकुमारी से विवाह करवा दूंगी। उसके बाद रानी राजा के पास जाती है। इस राजकुमारी और उसके माता पिता ने हम लोगों के साथ धोखा किया है, ये गंजी है, मैं इसको अपने महल में एक पल भी रहने नहीं दूंगी। आप इसे अपने महल से वापस लौटा दीजिए, ये मेरी बहू बनकर इस महल में नहीं रह सकती है, मुझे इससे कोई रिश्ता नहीं रखना है। राजा रानी को समझाते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनती। आखिर में राजकुमारी को अपने महल वापस जाना पड़ता है। अपने महल जाकर राजकुमारी बहुत रोती है और अपने माता पिता से कहती है, ये सब आप दोनों की वजह से हुआ है, धोखे से कभी कोई रिश्ता नहीं जुड़ सकता है। मैं पहले ही आप दोनों को ऐसा करने से मना कर रही थी, आज आप दोनों की वजह से मेरी वहाँ इतनी बेइज्जती हुई है, मैं इसके लिए आप दोनों को कभी माफ नहीं करूँगी। राजा रानी को भी अपने किए पर पछतावा होता है। राजकुमारी रोते हुए महल से बाहर जाती है। मैं अब कभी महल वापस नहीं जाऊंगी, वहाँ रानी माँ ने हमेशा के लिए मेरे से रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं। अब इस तरह मैं जिंदा कैसे रह सकती हूँ। मैं जंगल जाऊंगी और वहाँ किसी जंगली जानवर के सामने खड़ी हो जाऊंगी, वो जंगली जानवर मुझे मार कर खा जाएगा। मैं अब इन सबसे परेशान हो गई हूँ, पता नहीं गंजे होने की सजा मुझे क्यों मिल रही है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी हर बार मेरे साथ ही बुरा होता है। मेरे सर पर बाल नहीं है, इसमें मैं क्या करूं? राजकुमारी जंगल चली जाती है। तभी जंगल में जोर से बारिश होने लग जाती है, जिसकी वजह से राजकुमारी एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और वहाँ रोने लगती है। मैं तो यहाँ मरने आई थी, लेकिन यहाँ इतनी जोर से बारिश होने लग गई है, अब सारे जंगली जानवर अंदर छुप गए होंगे। तभी वहाँ एक आवाज़ आती है, क्या हुआ, तुम यहाँ मरने आई थी, लेकिन क्यों? कौन है, मेरे सामने आओ। एक परी राजकुमारी के सामने आती है। तुम तो राजकुमारी लग रही हो, तुम्हारे जीवन में किस चीज की कमी है जो तुम मरने की सोच रही हो? परी, मेरे जीवन में प्यार की कमी है, सब मेरे गंजे होने की वजह से मेरे से नफरत करते हैं। मेरी वजह से मेरे माँ पिताजी परेशान रहते हैं, उनकी बातों में आकर मैंने अपने पति और अपने ससुराल में झूठ बोला। असलियत पता लगने के बाद सबने मेरे से रिश्ते नाते तोड़ लिए, इसलिए अब मैं जीवन से तंग आ गई हूँ। ये कोई बात नहीं हुई जिसकी वजह से तुम अपनी जान दे दो, ये जीवन है, सुख होंगे तो दुख भी होगा ही। सुख हर इंसान को अच्छा लगता है, लेकिन दुख में तुरंत सब हार मान जाते हैं। परी, मैंने तो ये सोचा ही नहीं, मेरे से बहुत बड़ी गलती होने जा रही थी। तुम आसमान की तरफ देखो, मैं तुम्हें एक जादू दिखाती हूँ। राजकुमारी आसमान की तरफ देखने लगती है। तभी अचानक आसमान से बारिश की बूंदों के साथ बहुत सारे बाल गिरने लगते हैं। परी, ये तो असली बाल लग रहे हैं, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूं?
हाँ, अब इसे तुम अपने सर पर रखो, अगले ही पल ये तुम्हारे असली बाल बन जाएंगे। राजकुमारी बिल्कुल ऐसा ही करती है, वो अपने सर पर बाल रखती है और उसके असली लंबे काले घने बाल आ जाते हैं। ये देखकर राजकुमारी बहुत खुश होती है। यहाँ और भी बहुत सारे बाल हैं। इस गांव की प्रजा में बहुत ही अच्छी लड़कियां हैं, जो तुम्हारी तरह गंजी थी। तुम उन सब के पास जाकर ये बाल दे देना। ठीक है परी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस गांव में कोई भी लड़की अपने बालों की वजह से परेशान नहीं रहेगी। खुशी खुशी राजकुमारी अपने महल आ जाती है। महल आकर राजकुमारी अपने माता पिता को ये सब बताती है। अच्छा हुआ तुम्हारे बाल आ गए, मेरे बच्चे ने अपने बालों की वजह से बहुत परेशानियां झेली है। माँ, अब मैं प्रजा में जाकर उन लड़कियों की मदद करूँगी जिनकी मेरी तरह ही बालों की परेशानी है। परी ने मुझे और भी कई सारे बाल दिए हैं। मैं इस परेशानी से जूझ चुकी हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि हमारी प्रजा में कोई भी लड़की इस परेशानी का सामना करे। ये तुमने बहुत अच्छा सोचा है। उसके बाद राजकुमारी प्रजा में जाती है और लड़कियों की मदद करती है। इस तरह राजकुमारी के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है। तभी कुछ दिनों बाद राजकुमार महल में राजकुमारी से मिलने आता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ राजकुमारी। मैं अपनी माँ की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अगर तुम मुझे पहले ही इस बारे में बता देती तो भी मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता। तुम व्यवहार से बहुत अच्छी हो और तुम्हारे अंदर मर्यादा भी है। राजघराने की लड़कियों का व्यवहार में अच्छा होना और मर्यादा में रहना ही जरूरी होता है। ये बात आपको इतने वक्त बाद पता चली है? मैं उसी दिन आने वाला था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे आने नहीं दिया और फिर अगले दिन मैं अपने पिता के साथ राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दे में व्यस्त हो गया। मुझे माफ कर दो। राजकुमारी राजकुमार की बात मान लेती है और उनके साथ महल चली जाती है। महल में राजकुमार की माँ रानी इंदुमती कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मेरे बेटे ने इसके लिए मुझे समझाया, मुझे अपनी गलती का एहसास है। राजकुमारी रानी इंदुमती को माफ कर देती है। इस तरह राजकुमारी के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो राजकुमार के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है।